अगर आपको कैक्टस गार्डन जाना है तो आपको बाम्बू गार्डन को ही क्रॉस करके जाना पड़ता है, क्योंकि बाम्बू गार्डन के बाद ही आप कैक्टस गार्डन में जा सकते हो। तो ये कैक्टस गार्डन अमरावती में स्थित है और ये महाराष्ट्र में आता है। दोस्तों कैक्टस गार्डन में यहाँ पर बहुत सारी वेरायटी आपको कैक्टस की देखने को मिलेंगी, और आपको तो पता है कैक्टस कैसे होते और कितने जब हम इसको हाथ भी लगाते तो अपने हाथों से ब्लड निकलता है। तो दोस्तों अभी हम आपको कैक्टस गार्डन दिखाएंगे। अभी तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया है, अभी बहुत सारा खेला भी है। अभी हम जाने वाले कैक्टस गार्डन में, आप भी हमारे साथ चले। और स्वामिनी आप मुझे बताना कैक्टस गार्डन में कौन से कैक्टस होते हैं और कैसे होते हैं, आप दिखाएंगे बताएंगे, बोलो इनके साथ। बहुत सारे प्रकार के कैक्टस होते हैं कैक्टस गार्डन में, सब प्रजातियां देखने जाती है कैक्टस गार्डन में। तो चलिए चलते कैक्टस गार्डन में। चले हम गार्डन में जैसे एंटर हुए तो हमें दो अच्छी डॉल दिखी। तो डॉल अच्छे तरह से रील्स बना रही थी। दोस्तों उनको तो हमें सम्मानित करना ही था, इसलिए हमने उनका शूट कर लिया। कैक्टस गार्डन में एंटर हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी आपको कैक्टस गार्डन में पूरा जो होते हैं उसकी जो विशेषता वो भी हम बताने वाले हैं। और कैक्टस को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, उसको हाथ जब लगाते हो ना तो हाथों में से क्या आता है आपको दिखाएंगे। चलिए आप देखेंगे कि जैसे आप इन रोड पे चलते हो तो आपको अलग ही दुनिया में आपको लगता है कि हम ऐसे कौन से दुनिया में आ गए। एक अलग ही आपको सुकून मिलता है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे और ये रोड कर क्रॉस करके आप जब कैक्टस को देखने जाएंगे, एक अलग ही आपको सुकून मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे आ करके आप अच्छी तरह से चल करके कैक्टस गार्डन जा सकते हो, बहुत सुकून मिलता है। जैसे आप कैक्टस गार्डन में एंटर होते हैं तो आपको बहुत सारे वैरायटी के कैक्टस देखने को मिलते हैं। ये मन को बहुत सुकून देते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम जो भी पेड़ पौधे देखते हैं और कैक्टस को देखते हैं तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट होता है। क्योंकि कैक्टस को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कैक्टस में कांटे होते हैं ना। तो दोस्तों ये थोड़ा सा यूनिक गार्डन है, क्योंकि जब भी हम गार्डन में जाते वहाँ तो पेड़ तो होते पौधे भी होते, लेकिन कैक्टस जैसे नहीं होते। तो दोस्तों यहाँ पे बैठने की भी सुविधा है, तो आप किसी भी प्रकार की मीटिंग करना हो या कोई डिस्कशन करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। जैसे एक कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पर आकर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो और यहाँ पर गार्डन का आनंद ले सकते हो। कैक्टस की यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है, हमें कैक्टस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, फिर भी जितनी है उतनी आपके सामने हम बता रहे हैं। दोस्तों वैसे देखने के लिए ऐसा लगता है कि हम कौन सी जगह पे आए हैं, लेकिन जब हम पूरा गार्डन को देखते हैं तो एक सुकून ही मिल जाता है। तो कैक्टस गार्डन में आते समय आपको बाम्बू गार्डन भी आप देख सकते हो, तो दोनों आपके फायदे। आप बाम्बू गार्डन भी देखिए और कैक्टस गार्डन भी आप देख सकते हो एक ही जगह पे। तो आपको बाम्बू गार्डन को क्रॉस करके ही कैक्टस गार्डन में आना होता है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कौन सा पक्षी है, क्या करता है, यहाँ पे सारे पेड़ों की भी इंफॉर्मेशन इस गार्डन में लिखी हुई है। दोस्तों यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए, और ज़्यादा दूर नहीं है, और अमरावती तो सबको प्रिय लगती है, हमें तो बहुत ही प्रिय लगती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आकर के आप कैक्टस गार्डन का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।